नादौन के साथ लगती भरमोटी पंचायत के 15 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र भवन का शिलान्यास एचआरटीसी के 22 चेयरमैन विजय अग्निहोत्री ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया। इस अवसर पर बीडीओ अपराजिता चंदेल, भरमोटी पंचायत प्रधान प्रियतोष निशु जाट, वार्ड मेंबर पूनम कुमारी, रेखा देवी, रीता कुमारी व दिनेश के अलावा ओमचंद, सुभाष, ओंकार, गुरदेव, राकेश कुमार, सुमना, राकेश कुमारी, रजनी, मधु सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर पंचायत प्रधान प्रियोष निशु जाट ने हेल्थ सब सेंटर पटवार सर्किल भरमोटी में खोला जाने का आग्रह करते हुए कहा कि भरमोटी वालों की बिजली पानी पटवार सर्किल व हेल्थ सब सेंटर को लेकर लोगों की समस्या ये है कि इन सभी कार्यों के लिए लोगों को एक जगह के बजाय अलग अलग जगह जाना पड़ता है, इसलिए इन सभी कार्यालय को भरमोटी में ही खोला जाए। इलेक्ट्रिकल टैक्सी सुविधा उपलब्ध करवाए जाने व TCP के नियमों को सरल किए जाने बारे अग्निहोत्री से आग्रह किया। आज दिनांक 1/9/2020 को भरमोटी पंचायत घर सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास HRTC उपाध्यक्ष श्री विजय गुणित जी द्वारा किया गया है। इसके लिए धन जो है बजट जो प्रोवाइड किया गया था वो 2018 में प्रोवाइड हो गया था 15 लाख रुपया। अब कल से इस भवन का काम जो है निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। इसके लिए मैं सरकार या स्थानीय पूर्व विधायक विजय गुणित जी का, मैं स्थानीय जनता का धन्यवाद करता हूँ, उनके सहयोग से ये सफल हो पाया। जिस पर विजय अग्निहोत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शीघ्र ही भरमोटी में हेल्थ सब सेंटर खोला जाएगा, पटवार सर्कल भरमोटी बनाया जाएगा, बिजली व जल शक्ति के शिकायत कक्ष भी कोहला जलाड़ी व नादौन के बजाय भरमोटी वालों के लिए एक छत के नीचे ही होगा। उन्होंने कहा कि भरमोटी टिल्लू मेला कोहला रूट बनाकर इलेक्ट्रिकल टैक्सी शुरू की जाएगी तथा कॉलेज विद्यार्थियों व आम लोगों की सुविधाओं के लिए बस सेवा भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों का चहुमुखी विकास ही हमारी भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं के साथ साथ सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार जनहितैषी निर्णय ले रही है। आज भरमोटी ग्राम पंचायत घर का शिलान्यास संपन्न हुआ। इसके लिए मैं भरमोटी पंचायत के सभी नागरिकों को बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। साथ में प्रधान प्रियतोष जी को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इन सब का धन्यवाद भी करता हूं कि आज जो काम हमने जिसका शुभारंभ किया है उसको बहुत जल्द बनाकर जनता को सुपुर्द किया जाएगा। साथ में आदरणीय जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और वीरेंद्र कंवर जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये सारा बजट इसके लिए मुहैया करवाया। और साथ में इस करके भी मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं कि ऐसे अच्छे पंचायत घर जब बनकर तैयार होंगे तो उसमें काम करने वाले व्यक्तियों का मन भी लगेगा और उस अच्छे वातावरण में अच्छा काम होता है और इस करके विकास को और ज़्यादा गति मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।